अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव इफ ए सेट इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज नल सेट. ठीक है, इज एम्प्टी सेट एंड सी इज 2 3 सेट ऑफ 2 3. ठीक है, सी है टू एलिमेंट्स ऑफ. Then find A union B, union C and A union B union C. हमने यहाँ पे इन सेट्स के दरमियान यूनियन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स के बारे में आपने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा हुआ है. सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट, सेट ए एंड बी इज यूनियन. ठीक है, हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिख देते हैं तो हम कहते हैं इट्स यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी. तो स्टूडेंट्स सॉल्व किया है, हमने क्वेश्चन दोबारा डालना है, लिखना है. उसके बाद हमें फर्स्ट ही सॉल्व कर रहे हैं हम ए यूनियन बी यूनियन सी. ए यूनियन बी में हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू है ए यूनियन बी. जो ब्रैकेट में होता है सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं हमेशा इस तरीके से. जब वैल्यूज आए आपके पास तीन चीजों के दरमियान या तीन सेट्स के दरमियान आप यूनियन फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो चीज ब्रैकेट में होगी तो सबसे पहले हम उसको ही सॉल्व करते हैं. सबसे पहले आइए इसे सॉल्व करते हैं ए यूनियन बी. सो वी हैव सेट ऑफ ए इज 1 2 3. ठीक है, ए का सेट लिखा, देन वी विल पुट सिंबल ऑफ यूनियन, देन वी विल राइट सेट ऑफ बी. सेट ऑफ बी इज एम्प्टी सेट. ठीक है, नल सेट. अब यूनियन फाइंड आउट करना है तो बोथ एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स 1 2 एंड 3 हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट लिख देने हैं. बी सेट के तो कुछ है ही नहीं तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे. इसीलिए हमारे ए सेट्स के जितने एलिमेंट्स थे वो यहाँ पे आ गए हैं 1 2 3. यूनियन फाइंड आउट हो गया, हमने यूनियन फाइंड आउट कर लिया. This is the answer of A union B. अब A union B तो हमने ये कर लिया solve. अब इसके साथ क्या है? Union C. अब इसके साथ A union B के आंसर के साथ C का union करेंगे हम. A union B union C. So अब हम लिखेंगे A union B solve हो गया है. सबसे पहले हम उसका आंसर लिख लेंगे. अब हमें A और B का सेट लिखने की कोई नीड नहीं है, हमें इसका आंसर मालूम हो गया था तो हम उसका आंसर लिखेंगे. हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर है 1 2 3, देन वी पुट सिंबल ऑफ यूनियन, देन वी विल राइट सेट ऑफ सी. सेट ऑफ सी इज 2 एंड 3. अब हम 2 और 3 लिखते हैं यहाँ पे. स्टूडेंट्स अब यहाँ पे भी हम यूनियन फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 2. हमारे पास दोनों सेट्स में मौजूद है लेकिन हम वन टाइम लिखेंगे बिकॉज इन सेट एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट. यानी फर्स्ट वीडियो में ही हमने पढ़ लिया था कि सेट के तमाम एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं. तो हम उसके बाद 3 लिखेंगे वन टाइम. ठीक है, बोथ सेट्स के एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे आ गए इस यूनियन. दिस इज द यूनियन ऑफ ए यूनियन बी एंड यूनियन सी. तो ये आंसर आ गया हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है. ठीक है स्टूडेंट्स, देन अब हम इसे सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट वन हमारे पास था ए यूनियन बी यूनियन सी. ठीक है, बी यूनियन सी हमारे पास ब्रैकेट में था तो जो हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू होती है हम उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं. सॉल्व करते हैं बी यूनियन सी. यू राइट फर्स्ट सेट ऑफ बी इज नल सेट एंड देन वी विल पुट सिंबल ऑफ यूनियन एंड देन वी विल राइट सेट ऑफ सी 2 एंड 3. सो व्हाट इज द आंसर? बोथ सेट एलिमेंट्स ऑफ बोथ एलिमेंट इज आर यूनियन 2 एंड 3. यहाँ नल सेट था तो हमारे पास कोई एलिमेंट्स नहीं था, हमने कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखना यहाँ पे. लेकिन इस सेट हमारे पास 2 एलिमेंट्स थे 2 एंड 3 तो हमने लिख दिया है यहाँ पे.
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया बी यूनियन सी का आंसर। अब हम ए यूनियन इसमें मजीद कर देंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पे ए है तो हम ए का सेट लिखेंगे, यहाँ पे ए का सेट 1 2 3। देन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हम फाइंड कर चुके हैं तो हम उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। यूनियन बी यूनियन सी का आंसर था हमारे पास 2 and 3। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 1, 2 and 3। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया है, ये आंसर आ गया हमारे पास 1, 2, 3। तो स्टूडेंट्स अब आप यूनियन के बारे में अच्छी तरह जान चुके हैं कि सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट इज यूनियन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 6 हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सेट दिए गए होंगे, उसके बाद आपसे पूछा गया होगा डी यूनियन ई यूनियन एफ, तो आप इस तरीके से कीजिएगा, पहले डी यूनियन ई निकाल लीजिएगा, फिर जो उसका आंसर हो उसको फिर एफ के साथ यूनियन कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।